हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं सेट्स के रिगार्डिंग। सेकंड एक्सरसाइज के लिए 1.2 से पहले के बेसिक्स के लिए वो है आपके पास सबसेट। तो गाइस, आपने जैसे पहले वाले वीडियो देख के कन्फर्म भी कर लिया होगा कि जो एनसीईआरटी की 1.2 है और हमारे एलिमेंट की जो 1.1 है वो दोनों एक ही एक्सरसाइज है। तो हमने जो कल एलिमेंट्स की 1.1 कंप्लीट की है, अगर तो आपको एनसीईआरटी भी आज उसके साथ साथ कर लेनी है ना, क्योंकि एनसीईआरटी का जो 1.2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हमारे उसी से हैं सारे के सारे, ठीक है। इसीलिए हमने आज नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू कर दिया है सबसेट का। तो चलिए हम नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू करते हैं सबसेट। तो सबसे पहले तो हम डिस्कशन करते हैं व्हाट इज सबसेट। देखो, यहाँ से आपको छोटी सी बात ध्यान आ रही होगी, सब और सेट है ना। सब मीन्स क्या होता है, पार्ट है ना, छोटा सा जिसको आप कह सकते हैं। और सेट का मीनिंग आपको पहले से ही क्लियर है ना। इट मीन्स अब सेट के पार्ट्स का जिक्र आ रहा है। देखो, जैसे हमारे पास कोई भी एक सेट है 1 2 3 ए बी कोई भी सेट है आपका, अगर आप इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को पार्ट में डिवाइड करके सेट बना। देखो, जब भी आपको एक बात पता होगा ना कि फाई जो वर्ड हमने बोला था, एम्प्टी जो सेट है वो आप किसी का भी बना सकते हो या इस एम्प्टी की जगह आप फाई भी लिख सकते हो। एक चीज़ लिखनी बेटा आपको दोनों में से, कल भी मैंने बताया था। उसके बाद 1 फिर 2 फिर 3, देखो अब फिर 1 और 2 फिर 2 और 3 फिर 1 और 3 फिर 1 2 3। देखो, हमने इस सेट्स के सारे पार्ट्स बना लिए इवन इसको इंक्लूड करते हुए, है ना। तो जब ऐसे पार्ट्स आप बना लेते हैं तो ये सारे पार्ट्स जो हैं छोटे छोटे पार्ट हैं इसके, है ना। तो ऑल दीज पार्ट्स जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, सबसेट कहलाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ये मैं आपको भी एग्जांपल से बता रहा हूँ। अब हम इसकी जिक्र करते हैं इसकी डेफिनेशन का, कि अगर हमसे कोई पूछता है कि इसकी डेफिनेशन कैसे दें सर, हम उसको कैसे बताएं भी हमने क्या चीज़ लिखी है क्या नहीं लिखी है। देखो, आपको क्या बताना है कि हमारे पास दो पार्ट है सेट के, ए और बी, है ना। या ए का जिक्र करो या बी का। जैसे हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं कि ये ए था, तो ये इनमें से कोई भी पार्ट आप बी मान सकते हैं। तो आप ऐसे बोलेंगे, बी जो है इज ए सबसेट ऑफ ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, क्लियर। अगर बी का हर कोई एलिमेंट्स किससे बिलोंग करता है, ए से, तो यहाँ पे जो है बी क्या कहलाएगा, ए का सबसेट। क्लियर है ये बात गाइस? देखो, यहाँ पे हम बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये जो बेटा ये सिंबल है आपका, किसका सिंबल है, सबसेट का, ठीक है। कई बार इसको ऐसे कंफ्यूज करके लिख देते हैं, ये सबसेट का जो सिंबल है जरा ध्यान से देखना, उल्टा करके लिख दिया मैंने, है ना। तो ये जो है यहाँ पे ऐसे बोलेंगे आप, ए जो है वो ए क्या कहलाएगा, इसका सुपरसेट, और बी जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, सबसेट। समझ आ रही है? इसके अंदर भी यही बात है, सबसेट और सुपरसेट, क्लियर। तो ये था हमारे पास सबसेट। सबसेट का मीनिंग आपको पता लग गया। अब एक छोटी सी बात और इसमें हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी कोई सेट गिवन है तो उसमें कितने सबसेट बनेंगे। देखो, उसके जितने एलिमेंट है ना बेटा, उसको 2 की पावर के रूप में यूज करना, उसके टोटल सबसेट आपको पता लग गया। जैसे 3 एलिमेंट्स थे, 2 रेज टू पावर 3 कितना हो गया, 8। तो इसमें 8 बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर ये बात। तो आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कितने सबसेट बन के रेडी हो गए, क्लियर है ये बात। सबसेट के बाद हम दो छोटी छोटी बातें याद रखेंगे बेटा, कि कोई भी सेट जो भी हमें गिवन है वो सेल्फ का, मतलब अपने आप का जो है, हमेशा क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। जैसे 1 2 3 का 1 2 3 बना दिया, है ना। तो जब कोई भी सेट हो इवन, वो उसका क्या होता है, सेल्फ का सबसेट होता है। सेकंड वन, फाई जो है बेटा, या एम्प्टी सेट जो है, या नल सेट जो है, या वॉइड सेट जो है, वो सभी के सभी हर किसी सेट के क्या होते हैं, सबसेट। क्योंकि किसी भी सेट के एलिमेंट हटा दो, एम्प्टी बन गया, सीधी सी बात है ना। तो एम्प्टी सेट हर किसी का क्या होता है, एक सबसेट होता है, क्लियर है ये बात। सबसेट की नोटेशन सबको पता लग गई होगी, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, सुपरसेट, क्लियर ये बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट एक वर्ड है बेटा हमारे पास, प्रॉपर सबसेट। देखो, बहुत सी बार हम यूज़ करते हैं प्रॉपर मीन्स क्या, एज इट इज, सीधी सी बात है भाई। कोई भी पेन है, ये पेन प्रॉपर रखा हुआ है, है ना। अभी मैंने कहा इसको उठा के फिर ऐसे प्रॉपर रखो, मीन्स क्या है, एज इट इज़ वैल्यूज़ आप वहाँ यूज़ करते हैं ना। तो अगर आपको ऐसा मिले कि ए कोई सबसेट है बी का, और बी कोई सबसेट है किसका, ए का, इट मीन्स सीधी सी बात है, ए वाले एलिमेंट बी में, और बी वाले किस में है,
ए में है ना। तो जब हमें ऐसी वैल्यूज मिलती है किसी एक सेट के लिए है ना, तो वो क्या कहलाता है, उसका प्रॉपर सबसेट। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास इंटरवल्स, देखो ये हमारे पास मेन बात है बेटा, हम जब छोटी क्लासेस में थे तो आपको नंबर लाइन सिखाई होगी टीचर्स ने, नंबर लाइन, ठीक है। तो उस नंबर लाइन पे टेंथ क्लास में भी आई थी ये, अगर याद होता आपको, लेकिन कोई नहीं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखो नंबर लाइन पे क्या होता है, वहाँ पे आप ऐसे नंबर को शो करते, जैसे 1 2 3, ये मैंने इन बीच में से उठाई है लाइन है ना, हम इसको ऐसे कहें, बहुत आपके इनफाइनाइट होती है बहुत डायरेक्शन में, तो वहाँ पे हम शो करते थे भाई इज इक्वल टू 1 पे जाओ तो इसको ऐसे रखना है, सॉरी आपको ग्रेटर देन 1 पे जाना है तो इसको ऐसे ओपन रखना है, इज इक्वल पे जाना है तो आपने इसको डार्क करना है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ सीख रहे हैं। अब हम सीखेंगे इंटरवल्स, इंटरवल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और दूसरी बात इंटरवल्स पे वैल्यूज़ हम इक्वल कब लेते हैं, अब हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। देखो इंटरवल्स आपके पास होता है ओपन इंटरवल, स्टार्टिंग कर रहे हैं। जब भी आपको कोई भी वैल्यू जो गिवन है उसको एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड का मतलब उसको छोड़ देना हो, ठीक है, तो वहाँ पे ओपन इंटरवल होता है। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू है x ग्रेटर देन 1 लेस देन 7, क्लियर, ये सेट में नहीं लिखा बेटा, ब्रैकेट्स में लिखा हो, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि ग्रेटर देन 1 लेना है, मीन्स 1 को एक्सक्लूड करना है, 7 को एक्सक्लूड करना है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ इंक्लूड नहीं है। और जिसके अंदर ऐसी वैल्यूज़ आ जाती है कि वो चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, तो वो कौन सा इंटरवल है आपका, ओपन इंटरवल, क्लियर। इसको शो करना पड़ जाए तो आप ऐसे शो करेंगे बेटा, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 ये 7 हो गया, तो यहाँ पे आपकी जो नंबर लाइन होगी वो ऐसे शो होगी बेटा, यहाँ से शुरू होके सर्कल के अंदर नहीं जाना है, आपने इसको पूरी को डार्क करके दिखाना है, बट सर्कल के अंदर नहीं जाना है, ध्यान रखना सर्कल के अंदर डार्कनेस नहीं होनी चाहिए, क्लियर। सेकेंड वन आता है हमारे पास क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में बेटा ये दोनों वैल्यूज आपकी इंक्लूड होंगी, मीन्स यहाँ पे आप ऐसे कहेंगे, ये देखो x इज इक्वल टू 1 और आपकी ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 7 और लेस देन 7। दूसरी बात, यहाँ पे जो ब्रैकेट है बेटा वो भी आपका चेंज हो जाना है, ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट है आपका, क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यूज ये 1 और 7 इंक्लूड है, इट मींस अगर इसका ग्राफ हमें बनाना पड़ता है तो ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ पे देखो इस पूरे को डार्क सर्कल के रूप में लेना है बेटा, हमें छोड़ना नहीं है, इसके अंदर हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों वैल्यूज एडेड है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। देखो सेमी मीन्स हाफ है ना, आधा जिसको आप बोलते हैं, जब आपको एक तरफ की वैल्यू इंक्लूड करनी है, एक तरफ की वैल्यू एक्सक्लूड करनी है, तो वो या तो सेमी ओपन बनेगा या सेमी क्लोज। जैसे यहाँ पे मैंने बोला एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन इज इक्वल टू 7, तो ये वाली वैल्यू इज इक्वल है और ये वाली एक्सक्लूड है आपकी, सीधी सी बात, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा आपका, सेमी ओपन। और इसमें जब आप डायग्राम बनाए तब भी ध्यान रखेंगे बेटा, जिस तरफ से ओपन है उस तरफ से आपका सर्कल ओपन रहना चाहिए, उससे आगे आगे की वैल्यू डार्क करके आपको यहाँ पर जो सर्कल डार्क लगाना है, क्लियर। जैसे ये 1 के लिए और ये 7 के लिए। फिर सेमी क्लोज, सेमी क्लोज में क्या हो जाएगा, इधर से आपका इज इक्वल वैल्यू हो गया, एक्स इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 7, सीधी सी बात है 1 को इंक्लूड कर रखा है, तो उसमें आप 1 की तरफ अपना ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्लियर है ये बात। मीन्स सीधी सी बात है कि आपको सेमी ओपन, सेमी क्लोज या ओपन या क्लोज इंटरवल जो है वो ये बात बताते हैं कि कौन सी वैल्यू इंक्लूड करनी है और कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड करनी है। जैसे हम वैल्यूज पुट अप करते थे तो उसमें हमें पता लग जाएगा हाँ इस वैल्यू को हमने रखना है या इस वैल्यू को हमने रखना नहीं है, क्लियर गाइज। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा, उसके बाद आएगा पावर सेट। देखो आपको सबसेट बनाने आते हैं, आते होंगे ना, अभी अभी हमने सीखे हैं, तो जो सबसेट हम बनाते हैं, जब हम सबसेट को इकट्ठा करके एक सेट बना देते हैं, मीन्स सीधी सी बात क्या कहेंगे आप, कलेक्शन ऑफ सबसेट। जब हो जाता है तो कलेक्शन ऑफ सबसेट का जो सेट बनता है उसका नाम क्या होता है, पावर सेट है ना। जैसे हमने अभी भाई बैक साइड में हमने ये बनाए थे, सारे सबसेट बनाए थे, इन सभी सबसेट्स का एक सेट जहां हो जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका, पावर सेट,
क्लियर, तो कलेक्शन ऑफ सबसेट था, ये सीधी सी बात है ना। सेकंड वन है हमारे पास कंपेरेबल। देखो ये बहुत जरूरी बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपने। कंपेरेबल, कंपेरेबल सेट क्या होगा आपके पास, अगर आपके पास टू सेट्स है, एक सेट्स ए है, सेकंड वन सेट्स बी है, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट बन जाए, समझ में आई बात, ए बी का क्या बन जाए, सबसेट, जैसे हम लिख भी सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्लियर। तो अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो आप उन दोनों सेट्स को बोलते हैं कंपेरेबल सेट्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके एलिमेंट जैसे ए में हो गया 1 2 3, बी में हो गया हमारा मोर देन 1 2 3 4, जो भी आपने लिखना है लिख लो, है ना। अब एक बात है, ये इसका सबसेट है ना, तो इसके एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हैं, मीन्स हम उनको कुछ हद तक कंपेयर कर सकते हैं, 1 फिर 2 या 3, तो जो चीज़ इसकी है वो इसके अंदर आई हुई है, आपको पता है, क्योंकि ये उसका सबसेट है, इसलिए हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, और इसीलिए आपका क्या कहलाता है, ये कंपेरेबल सेट्स। क्लियर ये बात गाइस। तो ये थी हमारे पास इसके बेसिक्स। अब हम अपने शुरू करेंगे आज की एक्सरसाइज को।